हाथ मेरा लंगे पया लगता है कि सारा हाथ मेरा लंगे पया लगता है उसका कारी हूँ कि तेरी जुबान लगता है और जब भी नासूर सोए अखलाक बजान पड़ी है तो चांद मुझको तेरी अली का निशान लगता है कि जब भी नासूर सोए अखलाक बजान रुकती है तो चांद मुझको तेरी अली का निशान लगता है तेरे नक्श नु सोने वेख गई असा ने तो कुरान नु खोल लिया सितारे हो गए आका तेरे टुकड़ों पे हम फकीरों के गुजारे हो गए और एक नाम है मुस्तफा एक नाते मुस्तफा के 30 सिपारे हो गए एक नाते मुस्तफा मौला ने छेड़ी अर्श पर एक नाते मुस्तफा के 30 सिपारे हो गए और इशाका ने मुस्तफा तो कुरान पाक को पढ़ते ही इसलिए है कि ये आका की मीठी मीठी बोली है तो इसी मीठी मीठी बोली पर शायर भी कुछ यूं लिखता है कि गल च मोहब्बत की चोली न होती गल च मोहब्बत की चोली न होती तो किसी की परवाश चोली न होती भला कौन कुरान नु पढ़दा नासिर के भला कौन कुरान नु पढ़दा नासिर के ए मेरे आका दी बोली न होती कुरान नु पढ़दा नासिर जे ए मेरे आका दी बोली न होती तो शेर की बोली से इंतहाई वादे बोले एहतराम जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद सईद अहमद साहब जिन होता है रात होती है जिनके लब पे आता मौला की रात होती है जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज्जतों से नवाजा है जनाब मोहतरम भाई ताबिश मासूमी साहिब माशाल्लाह आप स्टेज जीनत आप लोग जल्दी अथाह गहराइयां नाल खुश आमदीद पेश करना और मेरे वतन अजीज का बड़ा अजीम असासा बड़ा अजीम